हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्लव जो होते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं तो यहाँ पे जो सेफ्टी पर्पस अगर हम कहें तो एक ये हमारे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ होते हैं वो निकल के आते हैं हमारे यहाँ पर, ये ग्लव। तो इस ग्लव के बारे में हम थोड़ी डिटेल बात करेंगे और इसकी प्राइस की भी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीप प्राइस में ये ऑनलाइन में देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके यहाँ ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन इनको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर किसी का भी काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड या कोई और भी, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं या आप प्लम्बिंग का काम करते हैं या आप टीवी रिपेयरिंग काम करते हैं, चिमनी रिपेयरिंग काम करते हैं, एसी का काम करते हैं, फ्रिज का काम करते हैं, कूलर पंखा मोटर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अगर काम है वो काम करते हैं, तो आपको दोस्तों ये ग्लव जो बहुत ही ज़रूरी है इनको पहन के ही आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। तो इसके मैं फ़ायदे भी बताऊँगा कि क्या क्या यहाँ पे फ़ायदे होते हैं जो मुझे लगते हैं कि हाँ ये ग्लव जो हो तो उन चीज़ों से यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बचा जा सकता है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं और इनको बनाया भी कुछ इस तरीके से गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो ये एरिया है यहाँ पर, ये इसमें कुछ इस तरीके के जो भी केमिकल कहें या कोई मटेरियल कहें इसकी कोटिंग इसमें करी हुई है, जिससे हमारा फ्रंट वाला साइज है, फ्रंट वाला एरिया है यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रंट वाला एरिया है वो हमारा यहाँ पे वाटरप्रूफ बन जाता है। यहाँ पे देखते हैं पूरी तरीके से वाटरप्रूफ इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे। और जो बैक साइड है इसको मैं पहन के भी दिखाता हूँ, बैक साइड में हमारा कुछ नहीं है, पूरा जो कपड़ा है। और ऐसा करने का रीज़न भी बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ निकल के आती है। तो देख सकते हैं फिटिंग काफ़ी अच्छी है। अब हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो हाथ गंदे नहीं होते हैं, यहाँ पर जो सेफ्टी है वो हमारे हाथ गंदे नहीं होते हैं। हम कई बार कोई चीज़ भी कसते हैं, टाइट करते हैं, तो यहाँ से आपकी जो उंगलियाँ हैं वो भी फटने लग जाती हैं और जो भी उसमें ऑयल है, मूवलेल है, कुछ भी है, वो हमारे नाखूनों में आ जाता है या हाथ में आ जाता है, गंदे हो जाते हैं, फटने लग जाते हैं या उसमें से खाल निकल जाती है, कुछ भी हो सकता है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि कभी भी हम कोई चीज़ काम करते हैं तो कहीं पे हमें अगर ठोकर सी लगती है तो वो एरिया हमारा छिल जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है, वहाँ से भी आप बच सकते हैं। और अगर आप लाइट का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हल्के फुल्के जैसे कोई चीज़ हम काम कर रहे हैं और वो चीज़ हमारे हाथ में टच होती है तो हमें करंट लगता है, तो यहाँ पर आपको वो भी नहीं लगेगा, देख सकते हैं कोई करंट नहीं लगेगा यहाँ पर। और इससे अगर कोई चीज़ पकड़ेंगे तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऐसा ग्रिप भी काफ़ी अच्छी बनेगी, क्योंकि कई जगह होता है क्या कि हमें कोई चीज़ खोलने के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है कि ग्रिप अच्छी बने, तो ये बेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये अगर आपको आवाज़ आ रही हो, ये रफ टाइप का है, ये काफ़ी अच्छा है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आप लंबे समय तक भी पहन सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वाटरप्रूफ एरिया दिया हुआ है और अंदर जो भी हम पहनते हैं ग्लव जो उससे मॉइस्चर भाप सा ना बने, जिससे हमारे हाथ बाद में ख़राब होने लगते हैं, उससे बचने के लिए पीछे देख सकते हैं ये पूरे एयर अंदर जाने के लिए बनाया हुआ है, ये पूरे यहाँ, इसलिए पूरे में कोटिंग नहीं करी हुई है इसकी, ये एरिया में पूरी क्या होगी हमारी एयर जाएगी, वही एरिया हमारे आगे साइड भी आ जाएगी एयर। तो ये भी आप काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है इस वाले ग्लव में। एक होते हैं जो पूरे ही कपड़े के आएंगे, वहाँ पर अगर आप उसको ना लें तो ठीक है, तो ये वाले ग्लव जो आपके यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे काम आते हैं। दूसरा, अगर आपका कुछ भी ऑयली वाला काम भी कर रहे हो, हल्का फुल्का या वाटर वाला है, तो वो काम आप करेंगे तो आपके हाथ अंदर से नहीं भीगेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पानी यहाँ पे जाएगा नहीं, इससे आप ऊपर ऊपर काम कर सकते हैं क्योंकि कोटिंग हमारी यहाँ तक चढ़ी हुई है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर का ये यहाँ पर साइज है। आप इसको बाय करेंगे तो साइज को देख लेना, क्योंकि मैंने ये बाय करने टाइम इसका साइज का ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसकी प्राइस मैंने देखी कम है तो मैंने सीधे ही ऑर्डर कर दिया। काफ़ी टाइम से मैं लेने की सोच रहा था इसको, तो प्राइस कम की वजह से मैंने इसको ले लिया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं फिट है एकदम, ये इनको आप बाय कर सकते हैं। तो मैं इसकी अगर प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 10 पीस 184 में यहाँ पे मिले हैं, यानी अगर आप देखेंगे तो 18 रुपये के आसपास का एक पीस मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी वन पेयर, ये पूरा एक पेयर है दोनों का, तो ये दोनों मुझे 18 रुपये के मिले हुए हैं।
तो अगर आपको ऑफलाइन मिल जाता तो वहाँ से ले सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे दिखाता हूँ। ये यहाँ पर देख सकते हैं, अभी अभी आए हैं, मैंने इसको खोल रखा है। ये रहा, ये टोटली हमारे पीस हैं 10 पेयर, पूरे 10 पेयर हैं यहाँ पे, ये 18 रुपये के हिसाब से जो पड़े हुए हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम जो भी काम करते हैं पहनेंगे, और पहनना भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी हाथों की भी सेफ्टी है, कई सेफ्टियाँ हैं। बाकी आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा लगता होगा कि इसके बेनिफिट ही हैं, प्राइस कम है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे होगा क्या, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप चिमनी रिपेयरिंग का कोर्स बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, और इसमें आपको यूट्यूब पर ही वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप बाकी ये यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन में पूरी डिटेल आ रही है, व्हाट्सअप से आप बात करके कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।